जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए लगे हुए हो। अगर आपको भी बनना है दरोगा, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको ऑथेंटिक बातें बताता है, प्लस आपको इस एग्जाम को किस तरीके से निकालना है, सियोर सिलेक्शन अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में कैसे आना है, अगर आप भी चाहते हो कि इस बार सियोर सिलेक्शन हो, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप पे, आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मैं स्टेटस में डालता हूं, तो आप नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाएं। देखिए, तो जो आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से फॉलो करोगे, अगर आप हमसे जुड़ चुके हो, ठीक है, और अगर आप नहीं भी जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, नीचे लिंक होगा। अब ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, जब मैं बोलता हूं अमोंग द टॉपर, तो उसका एक पाथ होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो आगे का जो स्ट्रेटेजी है हमारा क्या होगा, वो हम बात करने वाले, एकदम ध्यान से समझिएगा, रूटीन वाइज हम लोग ए टू जेड चीज करने वाले। तो सबसे पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपको सबसे पहले वीडियो फिनिश कर लेना है। अगर आप रिसेंटली हमसे जुड़े हो, ठीक है, तो दिन का स्पेशल एक टाइम, 2 से 4 घंटा आपको स्पेशली डेडिकेट करना है इन वीडियोज को फिनिश करने के लिए। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो हो गया, आपका हिस्ट्री का वीडियो हो गया, साइंस में आपका बोटनी का वीडियो हो गया, बायोलॉजी का वीडियो हो गया, फिजिक्स का वीडियो हो गया, केमिस्ट्री का वीडियो हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, स्टैटिक जीके का ट्रिक का वीडियोस हो गए, सब टॉपिक, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, आपका स्टैटिक जीके हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हर एक चीज का यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है, और टू द पॉइंट, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको बनेंगे, बहुत ही डिटेल में आपको यहां पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले आपको ये फिनिश करना है, दिन का 2 से 4 घंटा आपको निकाल के, अगर अभी तक आपने फिनिश नहीं किया है। और जो वीडियोस अपडेट होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे भी डाला जाता है, जैसे कि कल हमने आपको टेम्पल पढ़ाया, तो टेम्पल का हमने वीडियो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया, प्लस पीडीएफ के साथ, ठीक है। अब जो प्री के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स 2 फोल्डर इसमें बने हुए हैं, 2022 का हमने करवाया था, आज से आपका 2023 का भी स्टार्ट होगा। दो तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ, एक है आपका मंथली एनालिसिस होता है, और दूसरा जो मैं ट्रिक से करवाता हूँ। तो ट्रिक वाला जो होता है, वहां से सियोर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जैसे कि हम लोग फेस्टिवल से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फेस्टिवल और जनवरी मंथ का 2023 का हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आपको वीडियोस, आपको करंट अफेयर्स के दो है, एक है आपके ट्रिक का और एक है आपका मंथली वाला, तो यहां तक। तो ये चीज आपको करना है, स्पेशली जो हमसे जुड़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अब आपको रूटीन वाइज कैसे फॉलो करना है, अगर आप चाहते हो कि इस बार आपको नहीं चूकना है। देखिए, दिन का जो आपका शुरुआत होगा वो 7 बजे शुरुआत होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग सुबह उठ जाते होंगे। दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं दौड़ोगे तो ये बहुत 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 बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा, जो आपको लोग नहीं बताते होंगे, बट याद रखना, दौड़ना है हर दिन 1 किलोमीटर, पूरा पसीना निकालना है, ठीक है। 7 बजे आपका सुबह आपका दिन चालू होगा, ठीक है, और सबसे पहले आपके ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होगा। ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, मतलब हूबहू क्वेश्चंस आपको यहां दरोगा में दिखेंगे, क्योंकि मैंने उस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है और वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो जो 50 क्वेश्चंस का आपको सेट डाला जाएगा, अब ध्यान से समझना कि 50 क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले 7 बजे आप ना, मतलब प्रॉपर आप तैयार हो गए हो, बैठ गए हो, 50 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ का एक ई मिल गया, 50 क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। अब इस 50 क्वेश्चंस में क्या होगा, 3 से 4 टॉपिक ऐसे होंगे जहां आप गलत करोगे ही करोगे, ठीक है। वो टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो जहां से आपका गलत हो गया है, मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ था, कब बना या किनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था, तो मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन से गलत हो गया, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड ही कर दिया, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा इजी क्वेश्चन से, याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से गलत हो गया, बायो से, हिस्ट्री से, कहीं से भी गलत हो गया, तो मान लीजिए 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जहां से आपको गलत हो गए, तो सबसे पहले उस 4 टॉपिक को लिख लेना अलग से, ठीक है, कि हाँ हाँ मेरे ये टॉपिक से गलत हो गए। और टोटल 2 घंटा एटलीस्ट आपको इसको 50 क्वेश्चन देने के बाद भी, टोटल जो है 50 क्वेश्चन, इस पे आपको 2 घंटा देना है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे, प्लस आप इसका एनालिसिस करोगे, हर एक क्वेश्चन का, ऑप्शन का आपको एनालिसिस करना है। तो सुबह का 2 घंटा 7 से 9 जो होगा आपका, ये प्रैक्टिस सेट में जाएगा, जिसमें कि आप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसके ऑप्शन को अच्छे से आपको एनालिसिस करोगे कि क्या क्या इसके ऑप्शन और किससे किससे रिलेटेड है, और प्लस 2 से 4 टॉपिक जो आपके गलत हुए वो होंगे ही, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी से भी, उसको आपको लिख लेना है।
ठीक है। तो इतना आपने पहला कर लिया, आपने टॉपिक लिख लिया। दूसरा जो आपका होगा ये होगा 9 से 11 का, ये है आपका करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर का सेशन में क्या होगा, जो एक ही बुक आपको फॉलो करना है, जो हमने ESI में भी किया था, दो बार दरोगा में भी किया था, और बेहतरीन नंबर, ठीक है, आप यहां से स्क्रॉल कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूं, ESI का कटअप ही गया था 80 क्वेश्चन प्री का, ठीक है, आपका जनरल का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और 79 कटअप गया था, 79 क्वेश्चन जो गया था आपका BC का गया था। तो आप समझ सकते हो इस बुक को एकदम प्रूवन मेथड है जो मैंने यूज किया था। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे करना, आप ध्यान से समझिए। स्पीडी का करंट अफेयर्स आपको लेटेस्ट वाला ले लेना है, अप्रैल वाला आ चुका है 3 अप्रैल का, ठीक है। आपको हर एक दिन जैसे आपने वो सेट खत्म किया, नेक्स्ट अगला 2 घंटा आप करंट अफेयर्स करोगे, 1 से लेकर 10 जनवरी, ठीक है, आप सबसे पहले 10 दिन का करोगे। आज 1 से 10 किया, फिर से कल 11 से 20 किया, इस तरीके से हर दिन 10 दिन का आपको करना है। जैसे आप जनवरी से आपने स्टार्ट किया 2023 से, ठीक है, आपने यहाँ किया, और हर दिन एक स्पेशल टॉपिक भी करना है, ठीक है। अब ये स्पेशल टॉपिक क्या है, जैसे GITEC सियोर है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, फेस्टिवल से हमेशा क्वेश्चन आता है, इंडेक्स हमेशा आता है, उसके बाद एक्सरसाइज हो गया हमेशा आता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हर दिन एक आपको करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले आपको इसको बुक से करना है, अपना खुद आप एक बार बुक से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ड्रीम डोज के फोल्डर में जाओगे, ठीक है। दो फोल्डर मैंने करंट अफेयर्स का बताया, एक है जो आपका मंथली एनालिसिस होगा, तो उसमें 1 से लेकर 10 जनवरी तक पहले आप बुक से खुद पढ़ोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले आप बुक से खुद पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियोस पे आओगे, क्योंकि जो वीडियोस में जो बताया गया है 1 से लेकर 10 जनवरी तक, वो एनालिसिस किया गया, मतलब अगर मध्य प्रदेश आता है तो मध्य प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में रहे मैंने सब चीज कवर किया, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा, और जो भी यहाँ किया जा रहा है ये कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आप 1,00,000 रुपया किसी को भी दे दो, आपको ये चीज नहीं कर पाएगा कोई, जो भी आपको ड्रीम डोज के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये 1 से 10 जनवरी का एनालिसिस वीडियो भी देखना है, ठीक है, प्लस एक टॉपिक, जैसे कि आज आपने फेस्टिवल कंप्लीट किया, ठीक है, आपको पता है जब स्पीडी आप खोलोगे, ये लेटेस्ट वाला स्पीडी आ चुका है, तो इसमें क्या है कि इस तरीके का बना के दिया है, जैसे देखिए ये आपके लिए ट्रिक का वीडियो बनाया जाता है, जैसे कि त्यौहार महोत्सव, ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है। तो आज आपने त्यौहार कंप्लीट किया, ठीक है, और 1 से लेकर 10 जनवरी तक आपने कंप्लीट किया, सबसे पहले आप खुद पढ़ोगे, उसके बाद आप कहाँ ड्रीम डोज के वीडियोस देखोगे। तो समझ में आया, 9 से 11 आपको करंट अफेयर्स करना है, स्पीडी का बुक ले लेना है, पहले खुद पढ़ना है, उसके बाद ड्रीम डोज के वीडियोस जाके आपको कंप्लीट करना है, आपका सॉलिड प्रिपरेशन होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब आ जाएंगे, ये आप इतना कर लोगे, उसके बाद एक वीडियो जो है आपको हर दिन स्पीडी से करना है। अभी स्पीडी का आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी है। आपको डेली एक वीडियो जो है स्पीडी का उठाना है। हमारा जब आप फोल्डर देखोगे इसमें, तो एक साइंस का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, स्पीडी साइंस का, इसमें देखोगे एक स्पीडी साइंस का फोल्डर है और एक स्पीडी GK का फोल्डर है, जिसमें एनालिसिस किया जाता है। एक वीडियो 30 से 35 मिनट का होता है, 40 मिनट तक भी जाता है। तो हर दिन एक वीडियो, एक दिन साइंस का करोगे और एक दिन GK का करोगे, ठीक है। तो हर दिन एक वीडियो जो है आपको स्पीडी से करना है, ठीक है, और अभी नया नया वीडियो और भी अपलोड होते रहेंगे इसमें। तो ये चीज, एक वीडियो आपको स्पीडी से हर दिन करना है, एक दिन साइंस का और एक दिन आपका GK का, ये भी आपका बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब बोलोगे सर बुक में क्या पढ़ना है। बुक में ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको। देखिए, आपको क्राउन पढ़ना है प्लस NCERT सार, ये दो बुक आपको खत्म करना ही करना है, ठीक है। आप कैसे करते हो वो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी पढ़ लो आप। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो क्राउन, ठीक है, और आपको NCERT सार खत्म करना है, या लूसेंट या NCERT सार, आप अपना चॉइस है। आप क्राउन और NCERT सार भी कर सकते हो, ठीक है। NCERT सार हम भी करवा रहे हैं आपको, पूरा फिनिश करवाएंगे, बट अपने लेवल पे आपको ये करना है, ठीक है, ये करना है। दिन का आपको इसका टाइम आप डेडिकेट कर लो कि आप क्राउन और NCERT सार भी पेज बाय पेज, दो दो पेज, एक एक पेज, तीन तीन पेज आपको फिनिश करना है, ठीक है, या लूसेंट और NCERT सार। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़्यादा बुक अभी कुछ नहीं करना है। आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पहले फिनिश कीजिए, या यूथ कॉम्पिटिशन वाला जो है, इसका मैंने PDF भी डाल के रखा है, GK और साइंस का, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक आप रखिए जो आपको अपने पास कम से कम आप लगा पाओ, बस इतना ही करना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्रीम डोज का वीडियो, जितने भी अपलोड होंगे उसको फिनिश करते रहिएगा, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सिर्फ वीडियोज एंड PDF से कवर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा होपफुली,
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे, 7 बजे 50 क्वेश्चंस का आप सेट लगाओ। सेट लगाने के बाद ये देखोगे कि कहाँ कहाँ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, जहाँ गलत हो गए उस टॉपिक को लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इस जो आप टॉपिक लिखोगे रात तक इसको भी फिनिश करना है, ठीक है। मान लीजिए 4 टॉपिक से गलत हो गया, 4 टॉपिक आप फिनिश कर लोगे, कहाँ से, वीडियो से फिनिश कर लोगे या NCERT सार से भी खत्म कर सकते हो, सब चीज आपके पास प्रोवाइड किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉपर एनालिसिस करोगे, ये हुआ आपका प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपका करंट का नेक्स्ट सेशन 2 घंटे का चलेगा, 9 से 11 स्पीडी करोगे, उसके बाद ड्रीम डोज का वीडियोस दिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पीडी का जो रेलवे वाला स्पीडी आता है, उसका जीके का आता है और साइंस का आता है, हर दिन एक वीडियो कंप्लीट करोगे, कहां से, इसका फोल्डर स्पेशली बना हुआ है आपके ऐप पे। नेक्स्ट जो बुक आपको कवर करना है, क्राउन या NCERT सार या लूसेंट या NCERT सार, ठीक है, दोनों में कोई एक, और ऑब्जेक्टिव के लिए बस एक बुक अभी रखिए, उसको अच्छे से पहले फिनिश कीजिएगा, तब कोई बुक खरीदिएगा, और जितने भी वीडियोस नए अपलोड होते हैं, ठीक है, उसको आपको फिनिश करते हुए चलना है, ठीक है। अब ये एक चीज याद रखिएगा, आपको कभी भी ये रूटीन ब्रेक नहीं करना, ठीक है, 1-2 दिन, और ये जो टाइमिंग है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स ही है टाइमिंग की, नहीं 7 बजे स्टार्ट करना है, आप देख लो, 2-2 घंटा का स्लॉट रखो, पहले में टेस्ट दो, नेक्स्ट स्लॉट में आप करंट अफेयर्स दो, नेक्स्ट स्लॉट में आप स्पीडी खत्म करो, और लास्ट में आप शाम को जो आपका गलत हुआ था जो टॉपिक उसको फिनिश कीजिए, और आपका जो भी बुक है उसको आप पढ़िए, ठीक है। आप जितना घंटा पढ़ सकते हैं, 8 घंटा पढ़ सकते हैं, 9 घंटा पढ़ सकते हैं, शांतिपूर्वक उतना ही पढ़िए, बस यही है। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये करने के बाद नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, ठीक है। हम जान लगाए हुए हर एक वीडियो बनाने में, आप एक एक वीडियो देखना, जब हम करंट अफेयर्स का ट्रिक से आपको याद करवाते, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं करोगे, स्पेशली फेस्टिवल हो गया, GI टैग हो गया, बहुत मेहनत किया जा रहा है, आप बस इतना कीजिएगा कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।